बॉलीवुड के तीन फट्टू खान कल जब दीपिका पादुकोण जेएनयू जाकर वहां हुए हल्ले का विरोध किया और छात्रों का समर्थन किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट का सुनामी सा आ गया। लोगों ने तीन खान, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को फट्टू खान की उपाधि दी तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा। गौरतलब हो कि हाल ही में जेएनयू छात्रों पर हुए हमले की जिम्मेदारी हिंदुत्ववादी संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने ली है। उसने यह माना कि यह अपराध उसने किया है और पुलिस ने हफ्ते भर पहले हुए मामले को लेकर जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर पीड़ित छात्रा पर एफआईआर की है, जिसमें 19 लोग नामजद हैं और नकाबपोश गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। इस विषय पर लोग बोले, पता नहीं कब कौन खोलेगा इनका। सलमान खान सुल्तान की शक्ल में, अमिताभ बच्चन शहंशाह की शक्ल में और शाहरुख खान किंग की शक्ल में छुपे हुए भेड़िए हैं। दम तो दीपिका पादुकोण ने दिखाया है। CAA, NRC, NPR इनकी खामोशी ये जाहिर करती है कि ये एक नंबर के फट्टू हैं। अब ये फट्टू अपनी बीवियों की वजह से हैं या किस वजह से, यही बताएंगे। लेकिन इनकी चुप्पी ने जाहिर कर दिया कि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, ना संविधान से मतलब है। इन्हें अपनी चक्का चौंध से मतलब है, क्योंकि इनको पता है कि पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है। कानून तो गरीब और आम आदमी के लिए, और आम आदमी गरीब आदमी ही इन जाहिलों को हीरो बनाता है। फिर ये उन्हीं पैसों से शहंशाह बनकर जीते हैं और आम आदमी को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ना तो ये उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, ना तो उनके अधिकार की बात करते हैं। जब भारतीय कलाकार, स्टार बिजनेसमैन देशहित और जनहित में आगे नहीं आता, तो मुझे रशियन बिजनेसमैन की बात याद आती है, जिसने कहा था कि भारतीय कारोबारी खुदगर्ज और मक्कार होते हैं। वो अपनी आवाम के लिए खर्च नहीं करते, ना तो उनके हक में लड़ते हैं। जब जब इन कमीनों पर वक्त पड़ा, संखियों ने इनकी बैंड बजाई। अब तक देश का हर तबका जो उन्हें चाहता है, मुसलमान तो साथ में है ही, इन सब ने इनका साथ दिया। लेकिन आज जब आम आदमी की बात है, जनहित की बात है, तो ये ससुरी चोरी पहनकर बैठे हैं।